This conference will now be recorded. अद्य सोमवासर अथवा इंदुवासर भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी दिनांक चार अक्टूबर 2021 चरक विमान अध्याय एक अष्टवाहक विशेष शंखं चक्रं जलकान्दरमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालां बोधोज्ज्वलान्दं कटकटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समात्रेयार्थेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महामुनिम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भृषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादः पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि. करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम् अपि संस्कारः संस्कारोपि गुणान्तराधान. तो संस्कार में गुणांतराधान अपेक्षित है. पहले वाले गुण को दूर करके दूसरा गुण वहां पे प्रस्थापित करिए. संस्कार इस प्रकार का कहा जाता है. और खास करके गुरु और लघु ये दो गुण इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार के. ते गुणाः तोय अग्निसन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादि काल प्रकर्ष भाजनादिश्च आधीयन्ते. तो ये भाजन वगैरह से भी होता है. कल व्हाट्सएप में अहमद सामनी ने एक वीडियो डाला है ताम्र पात्र जो खराब हो गया है इस प्रकार से. तो एक भाजन का एक अलग इस प्रकार का रहेगा और उसको देखना इस प्रकार से चाहिए. गुणो द्रव्य विनाशाद वा विनाशम उपगच्छति गुणोत्तरात्मा गुणांतरोपधानात्मा. कश्चित् गुणो द्रव्याणां संस्कार देना अपि नान्यथा क्रियते यथा वन्दे हैं उष्ण वायो च दत्तं तैलस्य स्निहाय एते हि यावत् द्रव्य भाविनः एव गुणाः गौरवादयस्तु प्राणधान्यदिश अपगम दर्शनान्न यावत् द्रव्य भाविनः. ये कहाँ से श्लोक लिया है मालूम नहीं. गुणो द्रव्य विभाग विनाशात्मा नाशम उपगच्छति गुणांतरोपधानात्मा. तो गुण जो है वो द्रव्य के विनाश से या दूसरे गुण का वहां पे आरोप होने से नष्ट होता है. यत्र तु संस्कारेण गृहेर लाज लक्षण द्रव्यांतरमेव जन्यते तत्र गुणांतरोत्पादः सुष्क्रिय. तो किस संसार संस्कार से कौन से गुण का वर्धन होगा और कौन से गुण का रूपांतर होगा किसी भी द्रव्य में ये
किस बात पर निर्भर रहेगा? बता नहीं सकते एक्चुअली। जनरली अग्नि संस्कार से लघु होता है, लेकिन जैसे मैंने परसों बताया, दूध शुरू में लघु होता है अग्नि संस्कार से, लेकिन आगे अग्नि देते रहेंगे और उसकी बासुंदी रबड़ी खवा इस प्रकार के बनेंगे, तो ये गुरु गुरु इस प्रकार का होता जाएगा। तो किस पर किस प्रकार के संस्कार होंगे और किस पर नहीं होंगे, किन गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा, ये जो अभी उन्होंने बात कही है कि बनने हैं औष्ण वगैरह, इसमें तो परिवर्तन आने की कोई संभावना इस प्रकार की नहीं है। और कार्य द्रव्य के बारे में हमें ज्यादा सोचना है, और फिर संस्करण से गुणांतराधान इस प्रकार का जहां पे होता है वहां ग्रंथकार ने लिखा है वास्तव में, लेकिन जो नए नए संस्कार इस प्रकार के आ रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी एक मिक्सर ग्राइंडर एक सभी घरों में प्रचलन में है और घंटों का काम मिनटों में, इस प्रकार की उसका विज्ञापन उसकी विज्ञापन की जाती है। लेकिन हम जब कूट के कुछ करते हैं या आटा मरवंटा का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो एक्शन है वो एक तो स्लो है, ये एक आम मुद्दा है, और वो दबाने के एक्शन है कूटना इस प्रकार से। और मिक्सर ग्राइंडर में जो एक्शन है वो बहुत तेज रफ्तार है एक, और वो सिर्फ कटिंग एक्शन है, छेदना छेद करना इस प्रकार के एक्शन। तो अभी चटनी कूट कर बनाई गई चटनी, इसमें से तेल निकलता है, अगर हम मूंगफली की चटनी इस प्रकार से करते हैं कूट कर, या बाजार में भी उपलब्ध है, तो उसमें से तेल निकलता है, लेकिन अगर वही हम मिक्सर में करेंगे तो तेल निकलता नहीं है। तो स्नेह अलग होना नहीं होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार के चटनी में रहेगा। और वैसे देखा जाए तो इसमें यूनिडायरेक्शनल एक्शन है, मिक्सर ग्राइंडर में एक ही दिशा से वो चक्र घूमता रहता है। अब हम मंथन करते हैं हाथ से तो ये वो बाई डिरेक्शनल होता है, एक बार दाई तरफ एक बार बाई तरफ इस प्रकार से होता रहता है, और वो स्लो मोशन से होता है। लेकिन हम ब्लेंडर का प्रयोग करेंगे तो एक ही दिशा में होगा, फास्ट होगा इस प्रकार से। कुटने बटने में ये तो टू एंड फ्रो एक्शन थी, जबकि मिक्सर में सर्कुलर होना, तो यही मंथन में टू एंड फ्रो एक्शन है दाएं और बाएं तरफ, और ब्लेंडर में केवल एक ही डायरेक्शन में है और रफ्तार काफी ज्यादा है इस प्रकार से। तो जो रफ्तार हमारे आयुष के रफ्तार से मिलती जुलती हो, जो अगर ह्यूमन इस प्रकार का प्रयोग बता रहे हैं, हम आदमी खुद कर रहा है, तो उसकी रफ्तार ज्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन जब मशीन से करवाते हैं तो रफ्तार बढ़ जाती है इस प्रकार से, और वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है ये एक अलग विचार है। मंदो यात्रा कर श्रुतः, ये मंद गुण जो है वो यात्रा कर यापन करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन फिलहाल सभी चीजें हैं वो जल्दी जल्दी करना है, हमें समय बचाना है इस प्रकार से। एक आर्टिकल आया था कि इस प्रकार का समय बचाकर हम उस समय का क्या करते हैं, दूध आले बन करता है अगर उस समय का भली भांति प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं तो अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम सिर्फ भागदौड़ करते रहते हैं, और अंततः समय बचाने से फायदा क्या है ये कोई जानता नहीं है। तो
अभी एक स्लो प्रेशर कुकर्स बाजार में है, यहाँ मालूम नहीं मुझे भारत में, लेकिन अमेरिका में तो है, 4 घंटे में 8 घंटे में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक कुकर है। और सुबह 8 बजे अगर हम 8 घंटे का कुकर लगा के चले जाएंगे तो शाम 4 बजे तक वो धीरे धीरे बचत करता रहेगा। घर में वापस आने के बाद वो गर्म ही रहेगा, तो फिर आपको जो कुछ करना है उससे दाल वगैरह बनानी है या सब्जी बनानी है वो कर सकते हैं। तो ये क्यों प्रचलन में आया? क्योंकि ये जो फास्ट एक्शन हो रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम खुद हाथ से चीजें बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और कूटना और काटना इससे तो अंतर ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये संस्कार ही अलग इस प्रकार का हो जाएगा। तो अभी इन सभी के बारे में सोचने की जरूरत है। और माइक्रोवेव के बारे में काफी बहस की गई है कि माइक्रोवेव अच्छा नहीं है, इंडक्शन चल सकता है, गैस स्टोव जो है वो चल सकता है इस प्रकार से। और अभी रिफाइंड ऑयल भी एक संस्कारित तेल है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जितने भी संस्कार इसमें अभी प्रचलन में आ गए हैं खाने पीने के मामले में खासकर, उन सभी का ध्यान रखें। और जो ठीक है उसको आगे चलाते रहे, जो बराबर नहीं है उनको कम करें, या पारंपरिक विधि से इस प्रकार की खाना बनाना ये बेहतर इस प्रकार का चॉइस रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा अलग सोचना चाहिए। संयोगः पुनः द्वयोः बहूनां वा द्रव्याणां सम्मति वा वहा सविशेष मार्गते। संयोग जो है दो या उससे ज्यादा द्रव्यों का सम्मति भाव उनका इकट्ठा होना, और इससे विशेष निर्माण होता है। यह पुनः न एकैकशः द्रव्याणि आरभन्ते, जो एक एक द्रव्य नहीं करता है इसमें इस प्रकार की कुछ क्रियाएं संयोग से होती है। तद्यथा मधुसर्पिषोः मधुमत्स्य पयसा च संयोगः। हाँ नहीं अंडा अंडा हत्या है सका गर्भ है। है हाँ घी और मधु एक मात्रा में लेते हैं, या मधुमत्स्य पयस, मत्स्य और पयस वैसे ही विरुद्ध है उसका, और मध भी डालते हैं तो और भी तकलीफ होगी इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रही कि अधिकस्य अधिकम फलम, ये ज्यादातर बताया जाता है। नेचुरल आइसक्रीम्स की जाहिरात होती है, उसमें दूध भी अच्छा है, फल भी अच्छे हैं, तो दोनों का मिश्रण भी अच्छा है, और उससे मिक्स फ्रूट आइसक्रीम इस प्रकार से जो बनते हैं, तो उनका दावा है कि वो रियल फ्रूट से आइसक्रीम बनाते हैं और इसलिए वो अच्छा है इस प्रकार से। तो ये संदेह की बात हो जाती है। हमारे हिसाब में इस प्रकार का आइसक्रीम जिसमें सचमुच ही फल डाले हो और दूध के साथ उसका संयोग किया हो वो अच्छा इस प्रकार का नहीं रहेगा। वैसे भी केला और दूध, केला और दही ये काफी प्रचलन में इस प्रकार के, फ्रूट सैलेड, मिल्क शेक्स ये भी काफी प्रचलन में, सीताफल रबड़ी या सीताफल का मिल्क शेक इस प्रकार से। तो एक अलग चीज रहेगी कि इसमें रियली नेचुरल फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं तो वो ज्यादा दिक्कत वाला है, केवल फ्लेवर डालते हैं तो सिंथेटिक होगा, कृत्रिम होगा, उसके जरिए अच्छा नहीं। तो बेहतर है कि हम नैसर्गिक साधन सामग्री का ही प्रयोग करें, लेकिन विरुद्धांत का। मेरे पास एक मरीज था, मैंने शायद एक केस बताई होगी कि न्यूराइटिस इस प्रकार की तकलीफ थी, बोले पाँव में जलन होती रहती थी और 5 बरस उसको ये तकलीफ हो रही थी, और B12 बी कॉम्प्लेक्स से काफी कोर्सेस कर चुका था, कुछ फायदा नहीं हो रहा।
जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो 3 केला हर रोज बाहर से खरीदता था, रोटी साथ में लेता था, और वहां दूध लेकर केले का शिकरण बना के हर रोज खाता था। ऐसा 10 बरस उन्हें रेगुलरली किया। तो ये हमारे हिसाब में वृद्धान्न है। पादवे कुरुते दाम पित्ता सुख सहित नीला, ये सूत्र है पाद दाह का कारण। तो रक्त और पित्त के साथ वायु ऐसा कॉम्बिनेशन है, और रक्त दृष्टि का ये प्रधान हेतु इस प्रकार का। तो मैंने तो ये बता दिया कि आपको ये बंद करना है। फिर भी जो 10 बरस तक इस प्रकार का चल रहा है, उसके परिणाम को मिटाने के लिए स्वभाव पूर्ववाद से अगर सोचे तो 10 बरस लगेंगे। शायद पहले 5 बरस उसको तकलीफ नहीं हुई थी, उसके बाद में तकलीफ शुरू हुई। तो 5 बरस के बाद तकलीफ बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी दोषो विष में बना रहेगा। और 5-10 बरस के बाद पूरी तकलीफ मिट जाएगी। तो वृद्धा शरीरान नरोगान प्रतिहंति विरेचनम वमनम शमनम चैव पूर्वम वा हित सेवनम, ये जो बात बताइए। तो मैंने वमन विरेचन और रक्त मोक्षण तीनों करवाए, 3 महीने में वो मुक्त हो गया सिम्टम्स। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसे बहुत कम उदाहरण दिखते हैं कि क्लियर कट ये कारण है और इसके लिए ये हुआ है इस प्रकार। सविशेषम आरभते या वाक्याचा अर्थ कृपया पुनः सांगा। ये जो संयोग है वो विशेष को निर्माण करता है, विशेष आरंभ करता है। तो विशेष क्यों? अगर प्रकृति सम समवाय से संयोग होता है तो भी वो विशेष होता है। विकृति विषम समवाय से जो होगा वो तो और ही विशेष इस प्रकार का। मैं हमेशा उदाहरण देता आया कि शरबत जो है ग्रीष्म ऋतु में, तो ये एक पानीय इस प्रकार की कल्पना है। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में और मधुरा मृदुलवणी, ये 3 रस होते हैं। ये तीनों कफ को वर्धन करने वाले और कफ का वर्धन करने वाले और वात का शमन करने वाले। और ग्रीष्म ऋतु में प्रत्यंग क्षीयते श्लेष्मा तत्व आयुष्य वर्धते, प्रतिदिन कफ का क्षय होता रहता है और वायु बढ़ता रहता है। तो वायु को कम करने के लिए और कफ को बढ़ाने के लिए ये अप्रतिम संकल्पना है शरबत जो पानक इस प्रकार, और प्रचलन में भी है। तो यहाँ संयोग है, फिर भी प्रकृति सम समवाय से काम कर रहा है और अच्छा है, उसमें कोई संदेह प्रकार है, फिर भी वो विशेष है। क्योंकि अकेले द्रव्य से जो काम नहीं होगा वो इस प्रकार के संयोग से हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अन्य भी संयोग किए जाते हैं। पंचामृत का संयोग काफी प्रचलन में है। तो दूध दही मध शक्कर और घी एक कॉम्बिनेशन है। अब इसमें दूध और दही ये संयोग विरुद्ध इस प्रकार का है। घी और मध सम मात्रा में लेते हैं तो भी विरुद्ध इस प्रकार का। फिर भी इसका काफी प्रचलन है और नुकसान होता हुआ किसी ने देखा नहीं है। वेलणकर मैडम काफी बालकों में देती थी और उसके नतीजे भी अच्छे आते थे। अभी बालाजी तांबे ने इसको ज्यादा प्रचलन में गर्भिणी अवस्था में लाया इस प्रकार से। वहां देना उचित है नहीं, ये एक अलग इस प्रकार की बात। तो लेकिन कुष्ठ जैसे बीमारियों में जहां विरुद्धान्न हेतु है, वहां इस प्रकार का विरुद्धान्न दोष शमन करने के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है। तो खास करके पंचामृत बाहर से लगाने के लिए भी और भीतर लगा के लेने के लिए भी कुष्ठ में जो वात प्रधान इस प्रकार का है उसमें अच्छा इस प्रकार। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जहां ग्रंथकारों ने कुछ संयोग इस प्रकार, व्योषादि सत्य में वृत्त और मधु संभाग इस प्रकार के हैं, उसके साथ तेल है, बाकी व्योषादि सत्व है वो एक अलग बात, लेकिन वो समभाग में है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे एक विशेष आरंभ होता है, ये बात अहम है। और जहां प्रकृति सम समवाय से हम गुण कर्मों को समझ सकते हैं, वहां ग्रंथकार देते नहीं है। वो सिर्फ गुण कर्मों का मेलन करो तो आपको संयोग के गुण कर्म बंद हो जाएंगे, इस प्रकार से बताते। लेकिन जहां कुछ अलग ही होता है तो उसके बारे में बताते हैं। ज्यादातर जो फलश्रुति है विविध औषधि योगों की, उसमें ये एक प्रॉपर्टी कुछ नई नई इस प्रकार की दिखाई देती है, जो किसी भी एक द्रव्य की प्रॉपर्टी नहीं है, वो संयोग महिमा है इस प्रकार से। और इसीलिए जो संयोग करने हैं वो बड़ी सूझबूझ के साथ संयोग करने हैं। और ज्यादातर ग्रंथों में जो संयोग बताए गए हैं वही देना ज्यादा उचित इस प्रकार का। तब दातार गुरु ने गोक्षराधि गुरु उसमें कुछ पाषाण लकड़ी पाषाण और ये डाल के धमासा, उसको थोड़ा उपभ्रमित किया और फिर उसका प्रयोग प्रचलन में लाया। कंटकारी और गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन ग्रंथ में आया है कि व्याघ्री गोक्षुर साधिताम, इस प्रकार की पेया बस्ति पार्श्व शिर शूली व्याघ्री गोक्षुर साधिताम, इस प्रकार की पेया बताई गई है। तो फणसरकर सर का ये कहना था कि ये कॉम्बिनेशन कंटकारी और गोक्षुर ये जल धातु का पचन करके उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में सक्षम है। तो जहां जहां ऐसा लगे कि कफ का संचय हो गया है और क्लेद ज्यादा है, तो क्लेद को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग का प्रयोग करना है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है कि एक तो पचन करता है और फिर उसको बाहर निकालता है। एक मुद्दा अहम रहेगा कि पानी कम ही पीना है, जब प्यास लगे जितनी प्यास लगे इतना ही घूट दो घूट, इतना ही पानी पीना है, एकदम पूरा ग्लास नहीं लेना है। और पानी का अगर अजीर्ण इस प्रकार का हो जाता है तो उसमें तृप निग्रह एक चिकित्सा इस प्रकार की बताई गई। लेकिन ये जैसे कंटकारी और गोक्षुर कॉम्बिनेशन फणसरकर ने अलग रीति से प्रयोग में लाया, पाठामिश्रण ये भी एक अलग कॉम्बिनेशन है, दुष्कर्षकेन बिल्वेन यवान्ना नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठाहंतर्ष साम्रुजम, अर्ष समय आया है। तो ये अलग अलग संयोग इस प्रकार से बनेंगे और हर एक की अपनी अपनी खासियत इस प्रकार की होगी। फणसा एक मंदाताई वेलणकर एक कैंसर केस को ट्रीट कर रही थी, और वो और पलटकर सर दोनों इनके फणसरकर जी के छात्र रहे, तो उन्होंने एक काढ़ा लिख के दिया, 6 द्रव्य थे उसमें, लेकिन उस काढ़े का फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कोलटकर सर के पास रेफर कर दिया। कोलटकर सर ने भी अलग से सोचकर एक काढ़ा लिख दिया। आश्चर्य था कि 5 द्रव्य दोनों में समान थे, केवल एक द्रव्य कोलटकर का अलग और वेलणकर का इस प्रकार का था। फिर भी जैसे ही ये काढ़ा आरंभ हुआ तो उसको रिलीफ मिलने लगा। अब कोलटकर सर ने फणसरकर से ये पूछा कि आपकी क्या खासियत है संयोग बनाने में और आप ये कैसे कर पाते हैं। तो फणसरकर कभी बोलने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने बताया कि इसके लिए मैंने वाग्भट का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। तो अचानक बहुत अच्छी जानकारी हाथ में आ गई। उत्तर स्थान क्यों? उत्तर स्थान वैसे हम
पढ़ते भी नहीं है, एक चालक के विषय है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं परीक्षा के हिसाब से। लेकिन काय चिकित्सा के लिए उत्तर स्थान पढ़ना, ये पहली बार सुना। तो वहां स्पेसिफिक दोष दृश्य है और उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां हैं, ज्यादा दवाइयां नहीं है उसमें, एक या दो योगी बताते हैं। एक आम मुद्दा रहेगा कि ये स्पेसिफिक होने के कारण उस प्रकार की दोष दृश्य अवस्था में ये योग कारीगर होता है, और फिर उस प्रकार के दोष दृश्य समूर्छना किसी दूसरे व्याधि में हो तो भी ये कारीगर होता है। जैसे बंसल पाठा मिश्रण का बहुत सारे रोगियों में प्रयोग करते थे, मैं भी करता हूं। तो अर्श का संबंध नहीं है वहां पे, अर्श है सभी में ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी पाठ्य मिश्रण अनंत का ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे मरीजों में दिया जाता है दोपहर रात इस प्रकार के लिए। उसके साथ में अविपत्तिकर, वरा, शतावरी वगैरह इस प्रकार के भी द्रव्य होते हैं, और जहां जिसकी जरूरत है वो डालते इस प्रकार करते हैं। तो ये विशेष को आरंभ करता है इस प्रकार से, और ये एक अहम मुद्दा है। सो विशेष आरंभते केवल कॉम्बिनेशन से ये इस प्रकार का हो जाता है। अभी आलो मॉडर्न साइंसेस में मिश्रण और ये संयुक्त या अलग अलग है, या मिक्सचर एंड कंपाउंड, H2O बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और ना कि उसमें हाइड्रोजन के गुणधर्म है ना ही ऑक्सीजन के गुणधर्म है, उसके गुणधर्म तो अलग ही है, जिससे आग लगती है उससे आग बुझती है पानी से। तो ये कंपाउंड हो गया उनके हिसाब से, और ये सेपरेबल ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिश्रण अगर होता है, केवल मिक्सचर इस प्रकार का, तो शायद उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसके गुणधर्म क्या होंगे। लेकिन वहां भी अगर विकृति विषम समवाय हो रहा है तो बताना मुश्किल इस प्रकार का है। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के संयोगों में संयोग के गुणधर्म देखे जाए, जहां पर विकृति विषम समवाय है, जहां प्रकृति सम समवाय है, वहां जो उसके अवयव है, जो घटक है, उनके गुण कर्मों के आधार पर उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर विकृति विषम समवाय इस प्रकार का हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से उसको अलगता से ही देखना पड़ेगा। अभी अनुभूति में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन वगैरह वगैरह इस प्रकार के कंसेप्ट है, और कॉम्बिनेशन से कुछ ड्रग्स बुरा काम करती है, ये उनका भी मानना इस प्रकार का है। अभी जेनेरिक नाम से दवाइयां काफी सस्ती है, लेकिन फिर कंपनी को मुनाफा नहीं मिलता, तो मूल द्रव्य में कुछ और द्रव्य डालते रहते हैं ताकि वो एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बने, और फिर उसकी प्राइस तुम जितने रखना चाहते हो उतने रख सकते हैं। अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते रहेंगे और मरीज लेते रहेंगे। लेकिन अगर उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स मिल जाते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ी। बहुत सारे लोग आयुर्वेद और एलोपैथी साथ में लेना बराबर नहीं है ऐसा मानते हैं, और मरीज भी पूछते रहते हैं कि इसके साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है क्या। तो अनुभव नहीं है कहीं भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी रहेगा। लेकिन एलोपैथी की कुछ दवाइयां ऐसी है कि जिसको तुरंत बंद नहीं कर सकते, स्टीराइड्स हो, हार्मोन्स हो, एनर्जेसिक्स हो वगैरह वगैरह,
ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती रहती है, अगर उसको हम बंद करेंगे अचानक तो दोष वैषम्य काफी उभर कर सामने आएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि ये धीरे धीरे हटाते जाए और हमारी दवाइयों का पथ्य का प्रयोग करते रहे, तो रोगी रोग मुक्त तो होगा और उसको तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार। तो इनसे अलग परिणाम इस प्रकार का होता है, और वो एक एक द्रव्य उसमें जो शामिल है उससे नहीं होता, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। राशिस्तु ताम्रस्य मारण पारगंधर्वस्य निमये सोमनाथ ताम्रस्य उल्लेख गुणशास्त्राच्या पुस्तकात आला। जीएसवीसीवर पोस्ट केलेल्या केस बद्दल विवेचन करा, उसमें अकाल पलित इस प्रकार का है और यह अशुद्ध ताम्र के वजह से हो रहा है ऐसा उसका वहां पे ऐसा कारण मुझे मालूम नहीं है, देखे गए है नहीं, लेकिन ये बात भली भांति जान देना जरूरी है कि इस प्रकार के तांबे का बर्तन अच्छा है, लेकिन वो अगर खराब हो गया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना है। ये किसी भी द्रव्य के बारे में हो सकता है। तो सोमनाथी ताम्र नाम से बाजार में मिलता है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। सोमनाथी ताम्र उसको तो हड़ताल मनशील से मारण जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पारागंधक भी उसमें है तो शायद ये दुष्परिणाम उसके कम होंगे। और वनस्पति उनसे मध्यम प्रति का मारण है वो करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। राशिस्तु तो सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा मात्र पद विनिश्चया था। राशि जो है वो सर्वग्रह और परिग्रह इस प्रकार के दो है, उसमें मात्र अमात्र पद विनिश्चया था, ये भोजन योग्य मात्रा में है या अयोग्य मात्रा में है, योग्य मात्रा में नहीं है, इसके फल का विनिश्चय करने के लिए ये राशि आवश्यक इस प्रकार का है। तत्र सर्वस्य आहार से प्रमाण ग्रहणम एकैकश्चेन, एक पिंडेन सर्वग्रह परिग्रह पुनः प्रमाणम प्राण ग्रहणम एकैकश्चेन आहार द्रव्याणम। तो सर्वग्रह में पूरे अन्न का, अन्न की जो मात्रा है वो समझ में लेनी है, और परिग्रह प्रमाण ग्रहणम एकैकश्चेन आहार द्रव्य, आहार द्रव्य अलग अलग कितना लेते हैं ये समझ लेना चाहिए। सर्वस्य ग्रह सर्वग्रह सर्वतश्च ग्रह परिग्रह, सभी का ग्रहण ये सर्वग्रह और सर्वतः सभी तरीके से ग्रह ये परिग्रह इस प्रकार। अब ये भी एक अहम बात है कि खाना कितनी क्वांटिटी में जा रहा तो चरक का जो कहना है त्रिविध कक्षीय में कि आमाशय के तीन भाग उसकी कल्पना करनी है, और उसमें एक तृतीयांश घन, एक तृतीयांश द्रव और एक तृतीयांश रिक्त छोड़ना है। अब आमाशय की कैपेसिटी कितनी है ये समझ लेना चाहिए, उसका बड़ा अच्छा तरीका जलधौति है। जलधौति में आकंठ पान किया जाता है और फिर कितना पानी गया उतनी आमाशय की कैपेसिटी है, ऐसा सोच सकते। तो यहाँ एक प्रयोग किया था फर्स्ट ईयर के छात्रों पर, और सभी की जलधौति 3 बार की थी और फिर उसका मीन निकाला था, तो ऑन एन एवरेज 12 सेमी इतनी आमाशय की कैपेसिटी पाई गई थी। अब इसको ध्यान में रखते हुए 400 ग्राम घन 400 मिलीलीटर द्रव इतना ही खाना खाना चाहिए किसी भी व्यक्ति, लेकिन इन वॉलंटियर्स को खिचड़ी मूंग दाल की
छास और पानी, इतने तीन ही पदार्थ दिए थे। अब जितना चाहे उतना लेने के लिए कहा था, तो सभी ने करीबन 1125 इतना ले लिया दोनों मिला। तो ये निस्संशय अजीर्ण को निर्माण करने वाला इस प्रकार का। अब उसका पचन जनरली 3 घंटे में पचन हो जाता है और बॉडी वेट पहले जितना था उतना हो जाता है। सभी में 3 घंटे में पचन नहीं हुआ, 4-5-6 घंटे लगे। और इससे जाहिर है कि ये सर्वग्रह मात्रा जो है वो ज्यादा हो गई और इसलिए इस प्रकार का दिखाई है। अब ये भी एक बात रहेगी कि कितना खाना जा रहा है ये निश्चित करना है। भावी साठे सर ने जो प्रयोग किया था वर्ल्ड वाइज के ऊपर, उनको कहा गया था कि तुम्हें जो भी खाना खाना है, पानी पीना है, वो सब इकट्ठा करो, पैन में रखो और फिर उसका वजन करवा लो, और खाना खाने के बाद फिर से उसका वजन करवाओ, तो अंदर कितना गया इसके बारे में पता चलेगा। और फिर हर घंटे वजन करते रहो, तो 3 घंटों में वजन पूरा फिर से पहले जितना था इतना हो जाता है, ऐसा अंकार हो रहा। तो ये एक आम मुद्दा रहेगा कि प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग मालवीय माध्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ऐसा उनका थीसिस का विषय था एमएससी के लिए। तो उनका कहना था कि अगर ये सिर्फ भोजन करते रहेंगे तो जितना खाना खाना है उतना खाने के लिए दे देंगे और फिर वजन करते रहेंगे, तो वजन कम होने के लिए कितना समय लगता है इसके आधार पर अग्निमांड्य है ये सोच सकते हैं। अगर 4-5-6 घंटे लग रहे हैं, उससे भी ज्यादा समय लग रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि पचन बिल्कुल मंद इस प्रकार का है। और कई बार ऐसा भी होता है कल रात का खाना आज सुबह उसका उसकी चर्बी हो जाती है और वो अन्न जैसे था वैसा ही बाहर निकला, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर ने पूरी कोशिश की उसको पचाने के अग्नि के द्वारा, लेकिन जब पता चला कि नहीं ये बचने वाला नहीं है तो उसको फेंक दिया। तो ये सबसे मंद अग्नि इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अग्नि किस प्रकार का है, कितना सक्षम है, इसके आधार पर मात्रा कितनी लेनी है ये भी थोड़ा निर्भर रहेगा और आमाशय के कैपेसिटी के अनुसार भी निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो जरण शक्ति और अभ्यवरण शक्ति ये दो अलग अलग, अभ्यवरण शक्ति अच्छी हो सकती है लेकिन जरण शक्ति नहीं है तो पचन नहीं होगा इस प्रकार से। और जरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यवरण शक्ति नहीं है तो भी दिक्कत इस प्रकार के आ जाए। तो दोनों अलग रूप से देखने हैं और फिर जिस व्यक्ति के बारे में जो समुचित हो वो करना है, ऐसा थोड़ा सा उसमें। तो सर्वग्रह में पूरे खाने का खाने की जो मात्रा है वो देखनी है। वाग्भट में मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यते, मात्रा प्रमाण जो है वो सुख से जिसका पचन होता है उतनी मात्रा लेनी चाहिए ऐसा बता दिया। कितनी मात्रा लेनी है, क्या लेनी है, कुछ भी नहीं बताया। तो ये सापेक्ष विचार ही है और खास करके आमाशय की कैपेसिटी को देखकर, अग्नि की कैपेसिटी को देखकर कितनी मात्रा में खाना लेना है, किस प्रकार का खाना लेना है, क्योंकि जो ज्यादा गुरु है
वो कम ही लेने हैं। तो अर्ध संवित्य गुरु नाम अर्ध संवित्य लघु नाम नाति तृप्ति, लघु ज्यादा तृप्ति होने तक नहीं खाने हैं। गुरु पदार्थों के बारे में तो अर्ध संवित्य, जितनी मात्रा खाने से हमें संतोष होगा उससे आधा ही खाना इस प्रकार का खाना है। तो ये काफी अहम इस प्रकार के मुद्दे है। अब एलोपैथी में रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज निकाली जाती है, कितनी कैलोरीज की जरूरत है इस प्रकार से, और फिर वो कैलोरीज कैसे एडजस्ट करने, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इनमें से प्रयोग करके वो कैलोरीज एडजस्ट की जाती है। लेकिन उसमें ये विचार नहीं है कि आदमी उसको पचन करने में क्षम है या नहीं है। आमाशय उतना है बड़ा तो उसको संभाले, ये भी बात नहीं होती इस प्रकार से, और पचन अच्छा हुआ है नहीं हुआ है ये भी नहीं देखा इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में अगर जरूरत ज्यादा है तो भी संसर्जन कम करके अग्नि को बढ़ा के फिर जो उचित मात्रा है आहार की वो देनी है, नहीं तो ये फिर दिक्कत इस प्रकार से करेगी। अब रही बात ये परिग्रह की, ये अलग अलग द्रव्य कितना लेना है, चावल कितना लेना है, रोटी कितने लेना है, सब्जी कितने लेनी है। तो षड्रसम मधुर प्रायम ये बात बताइए, तो षड्रसात्मक होना चाहिए लेकिन मधुर प्राय होना चाहिए। तो वैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो काफी उसमें रस आ जाते हैं, क्यों सरसप है, हरिद्रा है, जीरा वगैरह इस प्रकार के है। लेकिन हरेक का प्रमाण कितना होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और वो घर घर की सिस्टम अलग इस प्रकार की होती है। कुछ लोगों के घर में खाना ज्यादा तीखा नहीं बनाते, उसकी ओरिजिनल टेस्ट जो है लगनी चाहिए। होटल्स में सब्जी का कोई महत्व नहीं है, ग्रेवी का ही महत्व है। तो ग्रीन ग्रेवी, रेड ग्रेवी, इसमें से कौन सी इस्तेमाल करनी है, अगर सब्जी को काट कर उसमें डालेंगे तो कौन सी सब्जी है पता भी नहीं चलेगा इस प्रकार से। तो परिग्रह में हर एक का एक अलग अलग कितना प्रमाण लेना है इसके बारे में सोचना है, और मधुर प्राय होना चाहिए। तो जो दाल रोटी चावल रोटी और दाल, ये तो तीन अहम है, वो मधुर रसात्मक इस प्रकार के है, और उनका प्रचलन ज्यादा होना चाहिए। और जो व्यंजन है वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए, कम से कम स्पाइस उसमें डाले जाने चाहिए, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मधुर प्राय का मतलब कटु अम्ल लवण ये तीन रस ज्यादा मात्रा में सेवन किए जाते हैं बहुत सारे मनुष्यों में, तो ये तीनों पित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि स्पाइसेस का प्रमाण बहुत ही कम ही रखे, और जो मूल द्रव्य है उसकी टेस्ट लगनी चाहिए, ये अहम मुद्दा इसमें रहेगा। अभी उसको किस प्रकार से बनाते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है, कि मिर्ची अगर काटी जाती है तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देते हैं या हॉरिजॉन्टल देते हैं, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लेना ही इस प्रकार का है। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस लेते हैं तो ज्यादा तीखापन उसमें उतर आता है पदार्थ में, और ये बात अगर आप पूछेंगे तो ही पता चलेगी, नहीं तो हम किसी मरीज के घर जाकर खाना खाएंगे तभी पता चलेगा।
लेकिन मिर्ची कूट कर भी डाली जाती है, या आदा लहसुन मिर्ची पेस्ट ये जो है तो उसमें मात्रा कम लगती है क्योंकि मिर्ची वगैरह सभी की बचत होती है, उसका तीखापन तो पूरा उतर आता है उसमें। तो परिग्रह में किस द्रव्य की कितनी मात्रा है ये देखना जरूरी है। लवण रस के बारे में मैंने बताया था कितने द्रवण लवण, तो लवण भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, ये एक अहम मुद्दा इस पर रहेगा। सर कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मिर्ची कम डाली तो निवर मुंह में ही घूमता रहता है, ऐसा क्यों? वो आदत से मजबूर होते हैं। जब तक वो तीखा खाना नहीं खाएंगे उनको किक नहीं मिलती, जो उससे जो अच्छा लगता है उन्हें वो नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं ये इसी प्रकार से लेना है, तीखा ही बनाना है इस प्रकार से। और इससे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, अगर तीखा खाने की आदत है और तीखा छोड़ दिया आपने तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो कट्टू के बारे में जो बताया गया है कि ये पाचन करने वाला, मलकन निस्सारण करने वाला इस प्रकार का भी है, फिर भी वो पित्त को बढ़ावा देता है, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और मधुर प्राय लेना है तो इस प्रकार का मिर्ची का प्रचलन नहीं होना है ज्यादा, फिर भी बचपन से आपको किस प्रकार की आदत है और उसमें आप परिवर्तन लाना चाहते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। और फिर उसके आधार पर क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों का वेट मेंटेन इस प्रकार का रहता है और विशिष्ट पद्धति से अगर खाना खाएंगे, विशिष्ट मात्रा में लेते रहेंगे तो बरसों बरसों तक वजन वहीं पे स्थिर रहता है। 50-52 ऐसा अगर है तो 10-15 बरस के बाद भी वही रेंज इस प्रकार की रहती है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि मधुर प्रधान इस प्रकार का होना जरूरी है। और मधुर प्रधान में नेसेसरी नहीं है कि गुड़ और शर्करा लेना है, जो रोटी चावल ये जो है ये भी मधुर रसात्मक इस प्रकार के हैं और उनको भी भलीभांति लेते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से। तो सर्वग्रह और परिग्रह ये मात्रा के बारे में बताए गए हैं और अयोग्य मात्रा ले ली तो कम हुई है ज्यादा हुई इस प्रकार का हो सकता है, कम हो गई तो शरीर ह्रास होने लगता है ये आम होता रहेगा, और ज्यादा हो गई तो शरीर वृद्धि होती रहेगी। बहुत सारे मरीजों में जब हम दूध के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उनकी पहली शिकायत होती है कि वजन कम हो गया, और पहले ही वजन कम है तो और कम हो गया तो घबरा जाते हैं कि अरे बाप इस प्रकार से वजन कम होता रहेगा तो तकलीफ हो गया। तो मैं पूछता हूँ कि दूध कितना जा रहा है, तो 1 लीटर 1.5 लीटर तक जा रहा है ऐसे बताते हैं। मैं कहता हूँ कि दूध बढ़ाओ भूख के अनुसार इस प्रकार से, तो फिर वजन कम नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में अगर दूध जाता है तो वजन नहीं कम होगा, लेकिन उसके लिए समय देना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अब पूरे परिवार के लिए कितनी सब्जी लाई जाती है, क्या क्या लाया जाता है एक हफ्ते के लिए, ये अगर देखेंगे घर में परिवार में संख्या कितनी है, कितने लोग हैं,
और फिर बनाने का तरीका किस प्रकार से है, जैसे अभी तर्क के बारे में कहा मिर्च ज्यादा मात्रा में या कूट कर इस प्रकार से डाली जाएगी तो उसका प्रभाव ज्यादा इस प्रकार का होगा। तो कौन सा द्रव्य कितनी मात्रा में होना है, किस ढंग से होना है, ये सभी बातें इसमें आवश्यक इस प्रकार की है। देशास पुनः स्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचार देशात्मने चाचष्ट। देश यानी कि स्थान, तो द्रव्यों का उत्पत्ति और प्रचार कहाँ पे हुआ है और देशात्मने इसके बारे में भी वो बतलाता है। तो आप ही ग्लोबलाइजेशन के जरिए सभी जगह की वस्तुएं सभी जगह पूरे विश्व भर में पाई जाती है। तो आपको जो चाहिए कहीं भी तुम रहने वाले हो तो आपको मिल जाता है, ऐसी स्थिति है। तो उत्पत्ति स्थान क्या है और उसका प्रचार कहाँ पे है, ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कोकण में आम्र है या फिर नागपुर में संतरी है, इस प्रकार की जो उस देश की खासियत है उसको हमें देखना इस प्रकार चाहेंगे। चक्रपाणी टीके अन्न कुड़व सूप पल मांस दोन पल इत्यादि वर्णन आहे, पहिल्यांदाच वाचण्यात आले तर डिटेल रेफरन्स आहे। एकैक क्षण येथे अन्नस्य कुडवा हा सूपस्य फलम मांसस्य द्विफलम इत्यादि अवयवमानपूर्वकं समुदानमाय उदायमान सर्वग्रहे प्रति अवयवमान नियमो नास्ति तेन येन केनचित् आहारेण प्रत्येकम् अन्यतमानेन संपूर्ण आहार मात्रा नियमनं सर्वग्रह। ये काफी है, कुडव वगैरह इस प्रकार सा अगर ले लेंगे तो एक बार ये देखना चाहिए कितनी मात्रा में खाकर क्या होता है इस प्रकार से। ये गिनती करेंगे तो शायद उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा कौन सा अन्न किस प्रकार में। एक कुड़ो मुझे कितनी ग्राम आता तो पता, कुड़ो मुझे भी अभी याद नहीं है कुड़ो कितना ग्राम। तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा मानव परिभाषा में, तो शायद उसके बारे में पता चलेगा। आर्द्र का लसून शरद ऋतु वर्ज संगित है परंतु तांडवते निमित्तपणे घेतला त्याचा काय विचार 64 फल आहे वाटतं। तो 64 फल तो करीबन 250 किलो, ढाई ढाई किलो हो जाएगा। देखेंगे एक बार ये लोग क्या कहते हैं, परंपरा के अनुसार लेते रहते हैं और ये नहीं देखते कि ये सचमुच उनके लिए उपयुक्त है या हानिकारक है इस प्रकार से। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में कि जो परंपराएं इस प्रकार से चली आ रही है वो सभी के लिए उपयुक्त है या हानिकारक है, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर हानिकारक है तो उसको
दूर करना, इस प्रकार से करेगा। ठीक है, देखते हैं आयुर्वेद प्रकांतो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य पांचन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि। इन जनरल पाउंड से एक किलो आहार एक कैलोरी कितना है? ठीक है, चार को 160 ग्राम। हाँ ठीक है। विरम्य से व्याख्यान व्यापार स्वाहा सुंदर शाम। बुधवार को सर्वपित्र अमावस्या है, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। गुरुवार से फिर से चलेगा, कल तो मिलेंगे, उसके बाद गुरुवार को मिलेंगे।